हाय एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी पोहे की रेसिपी। तो सबसे पहले हमें लेना है एक स्ट्रेनर और उसमें डाल देना है पोहा। अब हमें पोहे को रनिंग वाटर से वॉश कर लेना है। अगर हम पोहे को इसमें भिगो के रखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। अब हमें लेना है एक पैन और उसमें ऐड करना है पानी और उसमें अब हम डाल देंगे एक कप मटर, जिसे हमें हल्का सा बॉईल कर लेना है। अब हमें लेनी है कढ़ाई, उसमें किया है मैंने ऑयल गरम और उसमें ऐड कर दिए हैं मूंगफली दाने और इसे हमें लो फ्लेम पे धीरे धीरे चलाते हुए फ्राई कर लेना है। और यहाँ देखिए ये मटर भी हमारे बॉईल हो चुके हैं और ये देखिए मूंगफली के दाने भी फ्राई हो चुके हैं, जिसे मैंने अलग से प्लेट में निकाल के रख लिया है। प्याज और टमाटर को बारीक टुकड़ों में कट कर लेना है। उसी कढ़ाई में फिर से ऑयल गरम करना है और उसमें ऐड करने हैं राई के दाने 1/2 टेबल स्पून। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा हमें फ्राई कर लेना है धीरे धीरे चलाते हुए। इसमें ऐड कर देना है पोहा और हमें पोहे को भी लो टू मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे चलाते हुए सब मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। मूंगफली के दाने ऐड कर देंगे और जो हमने मटर बॉईल किए थे वो भी ऐड कर देना है, इससे हमारा पोहा और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब हमें मूंगफली के दाने और मटर को पोहे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और नमक को भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। सबसे लास्ट में इसमें ऐड करेंगे प्याज और टमाटर, इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आपके पास नींबू है तो आप नींबू का रस इसमें जरूर ऐड कीजिएगा। मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने इसमें अमचूर पाउडर ऐड किया है थोड़ा सा, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, तैयार है बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पोहा। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।